हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने सोचा होगा कि इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल वीडियो आ रही थी मेरी रामलीला वाली। तो रियो ने पीछे शोर मचाना कर दिया है, रियो ने स्टार्ट अभी। तो भाई इतने दिन हो चुके हैं मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज एक व्लॉग शूट कर लिया ही जाए। तो भाई अभी देख सकते हैं आप मेरे बालों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। तो भाई आज हम सबसे पहले अभी हम जाएंगे बाल कटवाने के लिए। तो भाई मैंने अभी भाई को कॉल की थी जिनके पास मैं हर बार ही बाल कटाता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आ जाओ भाई मैं शॉप पे ही हूँ। तो भाई अभी सुबह अभी 9 बजे हैं और मैं सबसे पहले मेरे को लगता है शायद मैं पहला ही नंबर होगा उनके पास बाल कटाने वाला आज के दिन। सबसे पहले आज मैं ही कटाऊँगा उनके पास बाल। तो अभी आपको मैं डायरेक्ट मिलूँगा भाई की शॉप पर, क्योंकि अभी मेरे को रास्ते में एक दो काम और मुझे पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा जैसा। तो मैं आपको डायरेक्ट भाई की शॉप पे मिलूँगा जाके। तो अभी हम एक मेरा फ्रेंड मिल चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं उसके साथ। भाई मैं आपको छोड़ के आता हूँ, ये भी मेरा एक सब्सक्राइबर है। वो अभी मैं भाई की शॉप पे पहुंच चुका हूँ, ये भाई की शॉप है। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं भाई का भी। और यहाँ पे तो एक नंबर लग चुका है भाई, और भाई को कॉल आई है तो मैं आपके साथ बाद में बात करते हैं। देख सकते हैं बालों की हालत कैसे सही लग रहे हैं बाल। जब मैं कटवाने के लिए आ गया तो मेरे को बाल सही है। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई ने अपनी शॉप में एक शिवी जी और पार्वती का एक स्टिकर लगाया, इतना बड़ा स्टिकर है ऑनलाइन मंगवाया था भाई ने, ये भी सही है। और एक ये लॉर्ड शिवा वाला, ये भी भाई बहुत सही है मेरे को, लेकिन ये लॉर्ड शिवा वाला है यही सबसे सही लगता है। और अभी आपको हम बाहर का व्यू दिखाते हैं, बाहर का व्यू कैसा है। और ये देख सकते हैं आप, ये बाहर का व्यू बहुत सही है इस टाइम, क्योंकि पिछले कल यहाँ पर बारिश हुई थी, और बारिश उतनी नहीं हुई थी ज़्यादा, लेकिन थोड़ी जैसी हल्की जैसी बारिश हुई थी, तो इतना सही हो चुका था। और ये जो मेरे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, ये बजाज की एजेंसी थी, और ये सामने यहाँ पे एक फ्रूट बियर शॉप थी, लेकिन वो बंद हो चुकी है शायद अब, क्योंकि भाई यहाँ पे चलती नहीं ऐसी चीज़ें। और इस सामने जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसके पीछे की साइड शिवा कॉलेज है। तो भाई देख सकते हैं कितनी बड़ी पहाड़ी है, और इसके शिवा कॉलेज इसके बैक साइड है। तो इसके बैक साइड मैं बोलता हूँ कि इसके साथ में ही जैसे पहाड़ी ख़त्म होती है तो उसके साथ में शिवा कॉलेज है। इसका बोर्ड है, ये जूम करके दिखाई नहीं दे रहा है भाई।
तो अभी वेट करते हैं भाई का, जैसे भाई फ्री होते हैं उसके बाद कटवाते हैं बाल और चलते हैं फिर घर को। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सुबह मेरे बालों की हालत क्या थी और अब क्या है। अब मैंने बाल कटा के हो चुका हूँ बिल्कुल फ्री और ये हैं भाई जिन्होंने मेरी कटिंग की है। भाई की आप बता दें अपना नाम और आपकी दुकान कहाँ पे है एग्जैक्ट, मैंने तो बता। मेरा नाम है लकी और दुकान का नाम है सिंगसान, ये भी नामना में है चांदपुर। हाँ, जो शिवा कॉलेज का जो रोड है ऊपर को जाता है उसके सामने जो आपको बजाज की एजेंसी है इसके सामने आपको दिख जाएगी, यहाँ के इसके साइड से साथ में ही है। तो जब भी आए तो भाई के रेट भी जेन्युइन है। भाई बताइए आपके रेट क्या है अब? 50 रुपीज़ कटिंग और शेव 30 एंड थ्रेडिंग 20। भाई आपको फेशियल वगैरह यहाँ पे सारा कुछ करके दे, सब कुछ अवेलेबल है। तो आए तो यहीं पे कटिंग कराएं भाई, मैं तो यहीं पे कराता हूँ। पहले आपने मेरे सुबह बालों की हालत देखी होगी और अभी देख सकते हैं आप कैसी है। तो अभी आपको मैं मिलूँगा घर जाके डायरेक्ट, क्योंकि अभी भाई मैं पेमेंट वगैरह यहाँ पे कर लूँ उसके बाद भेजते हैं आपको। तो दोस्तों ये थी भाई की यहाँ पे शॉप और ये लेफ्ट साइड पर बजाज की एजेंसी और वो सामने सेवा कॉलेज का जो रोड जाता है ऊपर को वो था। और दोस्तों सुबह में अपने जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे को मिल गया था उसने कहा कि भाई मैं आपको छोड़ के आता हूँ, लेकिन वो वीडियो में आना नहीं चाहता था पता नहीं क्यों, लेकिन चलो कोई नहीं, वो मेरे को यहाँ पर छोड़ गया उसके लिए थैंक यू। तो जो अभी मेरे को सुबह काम थे जो मैं नहीं कर पाया था तो वो अभी हम करेंगे, अब मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट घर में ही जाके। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और मैंने भाई देख सकते हैं अब मेरे बाल सही हो चुके हैं थोड़े पहले से। अभी मेरे को लग रहा है भाई कि जैसे भाई ने जैसे वहां पे सेट किए थे ना वैसे करने के लिए भाई हेयर ड्रायर लेने पड़ेगा, तो सोचेंगे अभी हेयर ड्रायर के बारे में भी लेने को। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल भी एकदम सही हो चुके हैं, भाई की जो फिनिशिंग करते हैं ना भाई उतने सही करते हैं। तो और यही बात थी, और आपको हैप्पी दिवाली, दिवाली है कल। तो भाई आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इतने टाइम से मेरे रामलीला वाले ब्लॉग आ रहे थे, रामलीला भी ख़त्म हो चुकी हैं और एक दो बातें और हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हैं वो आपको अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन आज है भाई, आज है 3 तारीख और कल है 4 तारीख और कल है, मतलब बोलने का ऐसा कि जैसे यहाँ पर बोल रहे कि आज छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली है। तो आज है भाई छोटी दिवाली, तो आज भाई यही था कि अभी घर में मेरे को बहुत ही काम है तो वो काम करेंगे पहले, उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे। तो इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।